सप्तम वर्ष 2504 भादरवा सुद चौथ बुधवार तारीख 6-9-78 दिने पूज्य श्री कांजी स्वामी नो उत्तम क्षमा धर्म पर तथा श्री समयसार शास्त्र में गाथा 17-18 पर स्वर्ण परिमा प्रवचन श्री समयसार शास्त्र पर 19मी वक्त स्वर्ण प्रवचन नंबर 79 नमो नोय सौरियंताणम नमो नोय सौदानम नमो नोय सौरियान नमो नोय सौजयानम नमो नोय सौत्रिकावती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामद मोक्षदों से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः सुमरिस्पादाय आप 10 लक्षण पर्व उसका पहला दिन है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा जी 10 बोले चारित्र का पेड़ है। चारित्र खास मोक्ष का कारण है। चिट्ठी चारित्र मां 10 प्रकार धन आत्मा नो अनुभव शुद्ध चैतन्य दृष्टि ने अनुभव हुआ हो और उसमें पच्चीस चारित्र लीनता हुई हो उसको 10 प्रकार का धर्म होता है। 10 प्रकार का धर्म में इससे सुख होता है, आनंद होता है। हा 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 10 प्रकार का धर्म इसको कहिए कि जिसमें इंद्रिय आनंद आता हो। हा और इसमें अतीन्द्रिय आनंद है, इससे अतीन्द्रिय आनंद है, ये अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूप है। 10 प्रकार का धर्म आनंदो भाई ऐसे हम उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा कहा नहीं तो संकेत सहित नहीं संकेत बिना जी कहीं है ये कहीं क्षमा नहीं है। ये तो कसा है रुदय में वो है। माथे अरुण भाई चरण से तमाम चरण से तमाम श्लोक के चरण से तमाम ऊपर मुनि धर्म क्षमादि भावों से 10 प्रकार का है। दो किस्सा दो किस्से होता है। आचारी कर दू जिसमें अतीन्द्रिय आनंद आता हो। उसका नाम 10 प्रकार का मुनि का धर्म कहने में आता है। सुख के साथ सुख इसमें होता है और सुख इसमें है अथवा सुख से सार है। 10 प्रकार का धर्म सुख नो सार आनंद नो सार में है। अतीन्द्रिय आनंद नो वेदन विशेष हो उसका नाम यहाँ 10 प्रकार का धर्म है। त्राणु में से पहला पीछे चौराण दशी में हो दशी प्रकार नो धर्म। 10 लक्षणी पर्व इससे 10 प्रकार का धर्म ये चारित्र का भेद है। सम्यक दर्शन सहित अनुभव में चारित्र हुआ हो उसमें विशेष आनंद आता है उसको यहाँ 10 प्रकार का धर्म कहने में आता है। सम्यक दर्शन में स्वरूप की दृष्टि होने से आनंद का स्वाद आता है पर थोड़ा है। और चारित्र में प्रचुर आनंद है
और उसमें समाधि हो, ये क्षमा में तो महा आनंद आनंद आता है। कहते अभी वास्ते ये दस महा पहला उच्चम है, ये वितरा भाव ये जा वितरा का दस प्रकार दम है, ये तो एना भेद बताया। बाकी वितराग भाव ये धर्म ने चारित्र ने दस प्रकार का धर्म वितराग भाव अभी वास्ते ये दस प्रकार का धर्म वितराग भाव है। घना ज राग नो अभाव करके अतीन्द्रिय आनंद ना उग्र अनुभव में आनंद आता है, उसको यहाँ दस प्रकार का धर्म कहने में आता है। हा तो क्षमा करी ठीक लोग ऐसा ऐसी बात नहीं, तो उत्तम क्षमा है उत्तम मार्दव अंतर में आत्मा आनंद प्रभु उसका अंतर अनुभव में अतीन्द्रिय स्वार्थ का आना उसका नाम तो सम्यक दर्शन है। हा और चारित्र विशेष आनंद का आना नाम चारित्र है, उसमें दस प्रकार का धर्म ये सुख न स्वाद मां वृद्धि हो। उसका नाम बात एवी से चलाण में पैदा किया पीछे को है न जो मुतपई सूर नीरमाणी वह सगे वीर दे सखिमा निमला होगी। जे कोई संत मनि मनु क्षत्रियंच अचेतन आदि उपसर्ग में हुआ होते छते पर तप्तायमान नहीं हो, क्रोध से तप्तायमान न हो, आंस से उग्र आनंद का स्वाद में आ जाए, उसको यहाँ उत्तम क्षमा दस लक्षणी पर्व में प्रथम धर्म कहने में आया है। समझ में आया, श्रावक को भी दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों पंचम गुण पान में पण तीनों होता है, नियम सार माते हैं भक्ति दर्शन पुण्य दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति करे श्रावक, भक्ति करना में ही परिणमन करते हैं। इसके भी दस प्रकार का धर्म में अंश है, मुनि को विशेष है आने अंश है, पर ये अंश में आनंद का स्वाद आता है विशेष सुख सार। शीशम का लकड़ी होती है ना शीशम, शीशम उसके सार हो अंदर चिकनो कठन है ना सुख सार। उत्तम क्षमा में अतीन्द्रिय आनंद का सार आता है, तो उसका नाम उत्तम धर्म कहते हैं। नहीं बता उस मुनि के निर्मल क्षण होती है पश्चिम दर्शनाथ है पास अमोक मुनि जैसे ऐसा मुनि हो गया ने शांत शांत गाड़ी में पीला पांडव ने लोहा ना दागिना ना जय करके चलाया। अतीन्द्रिय आनंद का बाढ़ आती थी कैसा ये उपसर्ग ने परिसह में सहन इसको कहने में आता है।
कि ज्ञाता दृष्टारे कर आनंद का विशेषपना प्रकट हो उसका नाम परिसर सम किया के नाता है। अभी चीज से भाई वितराग नाम मार्ग ने कोई लाइन रखी थी ये वस्तु नो स्वरूप ऐसा है या आप कहते हो उत्तम क्षमा हम चाप तो अधिकार यहां उदय आया है साध्य जो निष्कर्म दशा मोक्ष ने दशा ये साध्य है ये अभेद शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि के उसी प्रकार उत्पत्ति है। अपना भगवान का दर्शन करना प्रतीत करना ज्ञान करना निर्मलता ये निष्क्रम अवस्था मोक्ष ने प्राप्ति का उपाय है। अन्यथा अनुपत्ति है अनेकांत है बोला अनेकांत हम कहते हैं कि निश्चय से भी हो व्यवहार से भी हो अनेकांत। या तो भगवान आत्मा अपना निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र उसके निष्क्रम अवस्था उससे साध होता है अन्यथा नहीं श्राम नहीं खाते व्यवहार से कि राग से निमित्त से नहीं उसका नाम अनेक अस्त्रों से हो पर से नहीं उसका नाम अनेक खाते आचार्य अनेक साफ सुधरी बात कर देते हैं। नीचे से भी हो व्यवहार से भी हो उपादान से हो निमित्त से भी हो ये तो खुदली बात है एकांत मत मिथ्या है। यही बात बहुत बकूल महाराज का है इसी प्रकार उत्पत्ति है अन्यथा अनुपत्ति है। दूसरी रीते मुक्ति नी अवस्था नो उत्पत्ति होती है ही अपना भगवान आत्मा अतिन्द्रिय आनंदमय दृष्टि ज्ञान में रमणता करते हैं ये एक निष्क्रम अवस्था प्राप्ति का उपाय है। दूसरा कोई उपाय है नहीं वे मोक्ष का मार्ग कहते हैं तो कथन की शैली है। मोक्ष मार्ग भाई की है तो जेने भाई भवन थाक लगा हो भवनी बीक क्या दिशू क्या एक शरीर में पीड़ा आए तो सहन न थाय हाने शरीर में रही ने प्रभु तेरा काम करना है अंदर मैं तो आनंद कंद प्रभु शुद्ध चैतन्य घन उसका प्रतीति में आनंद आना उसका ज्ञान करने में आनंद आना उसकी स्थिरता करने में आनंद आना आओ मान से ये अन्यथा नहीं है ना। इसी प्रकार से साध की सिद्धि होती है अन्य प्रकार से नहीं है। बारणा पासित कैसे हम कही बाय पास किया है सर ने तो मोडा कर रहे कैसे जाऊं के बाय
विशेष समझाते हैं, है ना। जब आत्मा को अनुभव में आने पर क्या अनेक पर्याय में राग ने द्वेष ने विकल्पो ये अपने आत्मा को अनुभव आने पर अनेक पर्याय भेदभाव अनुभव ना में आनंद का अनुभव आ बात नहीं है। राग ने पुण्य पाप ये अनेक प्रकार ना जी वेदन में आता है अनुभव में अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रित पना होने पर भी भगवान आत्मा अतेंद्रिय आनंद नहीं साथे साथ में पुण्य पापना असंक प्रकार अनेक इसके साथ मिश्रित पना हो गया अनादि से माना है। मिश्रितपना है होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीण अंतर में राग से भिन्न करने का प्रवीण राग ही बंध का लक्षण है भगवान का लक्षण ज्ञान है। ये ज्ञान से राग को भिन्न करके आवी बात पर्याय पुण्य ने पापना अन्य का विकार अनुभव में आने पर भी मिश्रित पना होने पर भी वस्तु तो वस्तु तरीके है राग नु मिश्रितपणु मान्य से माना है समझ में आया। इसे राग में आत्मा की एक मिश्रित दशा ऐसा होने पर भी सर्व प्रकार से वेद ज्ञान देखो सर्व प्रकार से एक अंश राग का भी अपने में नहीं ऐसे सर्व प्रकार से वेद ज्ञान अंतर में झुकने से राग से भिन्न हो जाता है। यार ये बात हो गई भेद ज्ञान में प्रवीणता से सारा प्रकार से अंश भी राग का नहीं जो यह अनुभूति है सोई मैं हूं ये जानने का अनुभव होता है ये मैं हूं राग में नहीं चाहे तुम देवगुरु शास्त्र नहीं भक्ति का राग हो मुंगुनि का प्रेम का राग राग से आत्मा मिश्रित मान ही लिया है तो उसको भेद ज्ञान करके राग ना भाव से भगवान आत्मा को भेद ज्ञान करने से जुदा पारने से हर प्रकार से जुदा पारने से किया समझ में आया। यह अनुभूति है तो ही वेद ज्ञान करने से ये ज्ञान का अनुभव रहा ये मैं हूं है अनुभूति है तो ही मैं हूं ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ भगवान आत्मा राग से मिश्रित अवस्था में होने पर भी जुदा पाने की भेद ज्ञान की कला से सर्व प्रकार भेद ज्ञान करने से एक ज्ञान रहा ये मैं हूं अभी बात है
જેને કલ્યાણ કરવું હોય આ રસ આવે ભાઈ, બાકી બધી વાત હું છે. હા, વાસ્તવ જ્ઞાન એસે અનુભૂતિ સુ મે એ જાનન વાળા આત્માથી અનુભૂતિ એ મેં રાગનું વિસ્તૃતપણું અને સર્વ પ્રકારે ભેદ જ્ઞાન સે બિન કરકે એ આત્મજ્ઞાન જે જ્ઞાન એ મેં હું અનુભૂતિ એ આત્મજ્ઞાન. હા હા હા, અરે આવી વાત પૂછે. પ્રાપ્ત હોતા હુઆ ઇસ આત્મા કો જૈસા જાના હૈ વૈસા હી ઇસ પ્રકાર કી પ્રતીતિ. જાનને મેં આયા થા તો જ્ઞાન સ્વરૂપી ભગવાન હૈ, આનંદ સ્વરૂપી પ્રભુ હૈ. ऐसा ज्ञान में भेद ज्ञान से अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति मैं हूं ऐसा जाना, वैसा ही प्रकार की प्रतीति, ये प्रकार की प्रतीति हुआ. प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा सिद्धांत होता है. हाँ, उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है. अरे राग ना भाग से बिन भगवान को करके अंदर में जे ज्ञान का अनुभव रहा ये मैं हूं અને એ આત્મજ્ઞાન હે. એ જ્ઞાન મેં એસા આત્મા જમાયા, એસા એ પ્રતીત મેં આયા. આત્મા કા જ્ઞાન હુઆ એસા એ પ્રતીત મેં આયા કે હા આત્મા. હા હા, વાત ભાઈ तब सद्गानुभूति होता है, तब समस्त अनुभवों का भेद होने से जब राग से पुण्य के विकल्प से ज्ञान स्वरूपी भगवान भिन्न होने से भिन्न का ज्ञान हुआ और भिन्न की प्रतीति हुई. आज जानने में आया वो ही आत्मा, ऐसी प्रतीति हुई. पीछे अन्य भावों का भेद होने से समस्त अन्य भाव. हाँ हाँ, गुण गुणी का विकल्प उठते भेद, उससे भी भेद करके. हा हा हा, समस्त अन्य भावों का भेद होने से निशंग स्थिर होने में समर्थ होता है. हा हा, स्वरूप में निशृंग पड़े स्थिर होने के चारित्र होता है. राग से बिन ज्ञान स्वरूप ऐसा अनुभूति हुई कि आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान में जिस जनाया आत्मा ऐसी प्रतीति हुई, और प्रतीति हुई पीछे अन्य भाव से भिन्न होकर रागादि से है, निशंग थिर होने से, स्वरूप में निशंग पड़े थिर होने से. हाँ हाँ, आत्मा का आचरण उदय होता है, ये आत्मा का आचरण. राग से भिन्न श्रद्धा ज्ञान किया और उसे बजी राग से भिन्न स्वरूप में ठहरना निशंग पड़े मैं आ हूं. राग ने दया दाना विकल्प जी है ये तो मैं नहीं. बहुत काम शास्त्र का ज्ञान जी परलक्षी है ये भी मैं नहीं.
हाँ, क्योंकि एम आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान इतने जी आत्मा है उसका ज्ञान, राग से भिन्न होकर आत्मज्ञान, और ऐसी प्रतीति आत्मज्ञान में आया आत्मा, ऐसी प्रतीति और अन्य भावों से समस्त भावों से भिन्न होकर निशंकपणे चलने का सामर्थ्य हुआ। रागादि में नहीं और मेरी चीज में निशंकपणे ठहरना, आत्मा का आचरण उदय होता है। चल आत्मा का आचरण, भगवान आत्मा में लीन होता है, आचरण नाम स्वरूप का आचरण होता है, ये आचरण का उदय नाम चारित्र हुआ। हाँ, अगली बात है। आत्मा को साधता है ये रीते अनुभूति ज्ञान के हूँ, ज्ञान में आत्मा जनाया ऐसी प्रतीति हुई, समस्त अन्य भावों से भिन्न होकर निशंकपणे स्वरूपमा ठहरने का आचरण हुआ आत्मा आचरण, ये रीति आत्मा की सिद्धि है, ये रीति आत्मा को साधता है। ऐसे साध आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति है। आ प्रकार साध्य जी पक्ष निष्कर्म दिशा मोक्ष केवल इसकी सिद्धि आ प्रकार है, दूसरा प्रकार है नहीं। हाँ, थोड़ा ना पर कितना भर दिया है। राग विकल्प ने भगवान विदराग स्वरूप उसका मिश्रितपना जाने हो गया हो, ऐसे मिश्रितपना में से राग से भिन्न होकर अनुभूतियां जानने वाला ही मैं, ऐसा ज्ञान हुआ ये आत्मज्ञान हुआ। समझ में आया, जबरदस्त लक्षणी पर्व नो प्रेम दी। सुख सुख ही बहन कर क्या दूध भाव आया ने। भगवान सुख नो भंडार है न प्रभु, सतेन्द्रीय आनंद नो सागर है ने, उसको राग से भिन्न करके ज्ञान में अतीन्द्रीय सागर का ज्ञान हुआ आत्मज्ञान। और जैसा जानने में आया ऐसी प्रतीति किया, और समस्त राग से भिन्न होकर निशंकपणे आत्मा आचरण करने का पुरुषार्थ हुआ। चारित्र इन्हीं बात बाप लेने करी रे अनंत का होती भगवान ने भूली भ्रमणा माँ पीड़ो समा दी थी दुख में पंथे से या आर्य उपत्ति सिद्ध दशा नहीं है साध सिद्ध। ऐसा होने पर भी आया शरीर ने पैसा ने आबरू ने महान ना हड़का नो फास्ट
એની જેને વિસ્મયતા લાગે એને આત્માની વિસ્મયતા નહીં લાગે. જેને આત્મા સિવાય બાહ્ય પદાર્થની અતિશયતા વિશેષતા પાસે એને આત્માની ભિન્નતા નહીં ભાસે. સમજમાં આવ્યા? એસા હોને પર ભી પરંતુ જબ એસા અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જ્ઞાનના અનુભવ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા આભાવ ગોપાલ આભાવના બાળકથી માંડીને વ્રત ગોપાલના વ્રત બાળક છે માંડીને વ્રત કહો સબકો અનુભવ મે સદા સ્વયં હિ આને પર ભી એની પર્યાય મેં જ્ઞાન કી પર્યાય ઉસકા સફળ પ્રકાશક સ્વભાવ હૈ ઓ કારણે પર્યાય મેં સ્વસ્વરૂપ જાનને મેં આતા હૈ પર્યાય મેં દ્રઢ સ્વરૂપ ભગવાન જાનને મેં આતા હૈ છતાં અજ્ઞાની કો કર્તૃત્વના બંધના લક્ષણથી રાગના પ્રેમથી એ અંતરમાં જોઈ શકતો નથી. મેં ચીજ આત્મા મેરી પર્યાય મેં જાનને મેં આતા હૈ એસા દેખ સકતે નહીં ખરી નહીં. જ્ઞાન કી જો પર્યાય હૈ વર્તમાન એ પર્યાય કા સ્વભાવ સ્વપર પ્રકાશક હૈ ચાહે તો અજ્ઞાન હો કે જ્ઞાન હો તો એ પર્યાય મેં આત્મા એ જાનને મેં આતા હૈ કે સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ હોને સે જ્ઞાન કી પર્યાય મેં સ્વ વસ્તુ હૈ કોઈ જાનને અનુભવ માં આતા હૈ પર્યાય મેં દ્રવ્ય જાનને મેં આતા હૈ અત્યારે સદાય કીધા કહ્યું મિયા અનુભવ મેં સદા અને સ્વયં સદા ને સ્વયં જ્ઞાન કી પર્યાય મેં સદા સ્વયં આને પર ભી સ્વયં આને પર ભી કહેતે હૈ કે જ્ઞાન કી વર્તમાન દિશા મેં સદા સ્વયં જાનને મેં આતા હૈ એસા હોને પર ભી અનાદિ બંધ કે વશ પણ અનાદિ રાગ ને વશ રાગ એ ખરેખર પરદ્રવ્ય હૈ એ સ્વદ્રવ્ય નહીં. જ્ઞાન કી પર્યાય મેં સ્વદ્રવ્ય જાનને મેં આતે પર ભી રાગ જો પરદ્રવ્ય હૈ ઉસકી સાથ કી દ્રષ્ટિ સે પર્યાય મેં જાનને વાળા આત્મા ઉસકો જાણતે નહીં ઉસકો જાણતે નહીં. અરે ભાઈ ફરી નહી પરંતુ જબ એસા અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન
ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, देखो भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी अनुभव आभा गोपाल सबने बालक से वृद्ध सबको अनुभव में सबको सदा सबको स्वयं आया तो नहीं वार्ता कथा न किया तो भगवता आमा गोपाल सर्वने अने सदा सर्वने अने सदा अने स्वयं आत्मा ज्ञान की पर्याय में जाने में आता है। अरे ऐसा होने पर भी अनादि बंद के वश पर दृष्टि राग ने विकल्पों पर है एने वश होने से पर्याय में जानने में आता है छता ही जान सकते नहीं। रागनी एकता की अंधबुद्धि में पर्याय में जानने वाला भगवान जानते जानी सके सताती जानते नहीं। हरी बात है कि नहीं अंदर ऐसा अनुभूति ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा आमाल गोपाल को ज्ञान की पर्याय में आता है जानने में सबको सदा ने स्वयं ये आत्मा सदा स्वयं अपनी पर्याय में जानने में आता है। पाण अपना स्वभाव तब दृष्टि लय नहीं अने राग ने वश होकर अबंध स्वरूप जी पर्याय में जानने में आता है। ये राग के बंद के राग रूप बंद के वश होकर अबंध स्वरूप जी पर्याय में जानने में आते हैं उनको जान सकते नहीं। क्या किया है तो तीर ना काम से बापू बालक थी मांडी ने वृद्ध सब आत्मा में पर्याय जो ज्ञान की है उसमें ये अनुभूति भगवान आत्मा ही जानने में आता है। ऐसा होने पर भी अनादि राग का संबंध में ये बंध को राग का संबंध को राग का संबंध में रुकाने से अबंध स्वरूप पर्याय में जानने में आता है। ये बंध में रुकाने से अबंध जानने में आता ही नहीं जानता। फिर आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप ये पर्याय में अज्ञानी को भी बालक से वृद्ध सदा स्वयं आत्मा ये आत्मा पर्याय में अनुभव में आता है। ऐसा होने पर भी अज्ञानी राग का संबंध में रुकने से राग का बंध भाव में रुकने से पर्याय में अबंध स्वरूपी भगवान जानने में आने पर भी राग के संबंध में पड़ा वो जानने में नहीं आता।
ની અંદર નજર તળે ચીજ આમ દેખાતી હો, પણ નજર ને લક્ષ બીજે હોતી હે તો એ દેખાતા નહી. હા હા હા, અરે પ્રભુ તું તારી પર્યાય મેં જ્ઞાન કી એક સમય કી પર્યાય મેં પ્રભુ સદા બાળ ગોપાલ ને સ્વયં ભગવાન આત્મા જ જાણને મેં આતા હે ટીકા ભરત ક્ષેત્ર માં. હા રાગ મેં વશ હોકર પર્યાય મેં અબંધ સ્વરૂપ જ્ઞાન મેં આને પર ભી રાગ કે સમજ મેં રૂપ ને સે અબંધ સ્વરૂપ જાન મેં નહીં આપતા. ફિર ભગવાન આત્મા ઉસકી જ્ઞાન કી પર્યાય ભલે અજ્ઞાન હો પણ એ પર્યાય મેં પર્યાય કા સ્વભાવ જ્ઞાન હે ને તો ઉસકા સુપર પ્રકાશ સ્વભાવ હે તો પર્યાય મેં સ્વયં આબાલ ગોપાલ ને સદા સ્વયં આત્મા હી જાનને મેં આતા હે. એસા હોને પર ભી રાગ કા સંબંધ ના બંધને વશે એ પર્યાય મેં જાનને મેં અબંધ આતા હે ઉસકો જાનતે નહીં બરાબર રાગ કો જાનતે હે. અરે આ વાત ક્યાં સ્વામ દિગંબર સંતોષી. કેવળ જ્ઞાન ના વિરા પુરાવે એવી વાત છે. બીજાને દુઃખ લાગે કે આ અમારો આ તમારો એક જ ધર્મ આપણું તમારો અમારો નથી. ત્યાં તો વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું. ક્યાં ક્યાં કે આત્મા પર્યાય મેં અબંધ સ્વરૂપ હે એ પર્યાય મેં પર્યાય કા સુપર પ્રકાશ સ્વભાવ હોને સે અજ્ઞાની કી પર્યાય મેં ભી એ દ્રેવ જ જાણને મેં આતા હે. પણ અજ્ઞાની રાગ કા સંબંધ મેં રૂપાને સે રાગ કો જાનતે હૈ જે ઉસમે હે નહીં ઉસકો જાનતે હૈ અને જે હે પર્યાયમાં જાણની વાળી ચીજ કિસકો જાનતે નહીં બરાબર. હા 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 કોસમન ભાઈ ત્યાં ક્યાંય મળે હું નથી આવું. હા 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 રખડવાના રસ્તા છે બાપા. હા હા અરે એને કાને ન પડે સત્ય સતને કે રીતે શોધે. ભગવાન તેરા સ્વરૂપ જે પૂર્ણ અબદ્ધ સ્વરૂપ હે એ તેરી પર્યાય મેં અબદ્ધ જ સ્વયં સદા સબકો જાનને મેં આતા હે એસા મનેપુર ભી રાગ કા સંબંધ મેં બંધ મેં ક્યાં રૂકને સે પર્યાય મેં જાનને મેં આતા હે બંધ કો નહીં જાન સકતે. હા હા આવી વાત છે. ચાહે તો ભગવાન કી ભક્તિ કા રાગો
चाहे तो शास्त्र का भक्ति करा लो। पण ये राग का बंद, राग ही बंद है, भगवान अबंध स्वरूप है। तो पर्याय में अबंध स्वरूप जानने में आता है, स्वभाव जैसा है, पर्याय का स्वभाव ऐसा है। ज्ञान की पर्याय का अवस्था का शिकारी अवस्था ही प्रभु स्वयं जानने में आता है, ऐसा पर्याय का धर्म है, स्वभाव है। ऐसा होने पर भी राग का समझ में रुकने से और राग को जानने से राग विरानी चीज पर्याय में जाने में आती है, उसको जानते नहीं। आऊं आज से बापू आखिरी बात भाई इतराग नारद रागनी पर्याय में रुकने से वितराग भगवान आत्मा जिन स्वरूपी जिन स्वरूपी भगवान आत्मा ये पर्याय में ही जिन स्वरूप जानने में आता है। ऐसा होने पर भी जिन स्वरूप से विरुद्ध राग चाहे तो दया दान भक्ति व्रत अवधि कोई पर विकृत हुआ उसको देखने से बंधने वशे होकर पर्याय में अबंध स्वरूप को ही जानने में आता है, सता ही जानते नहीं। आवी बात से भाई नवी लागे आ समय सर नव है 2000 वर्ष थी तो करेलू। वस्तु नु स्वरूप ज्यां स्वयं सदा पर्याय में ज्ञान की दशा में जानने में आते होने पर भी लक्ष्य बंद ऊपर है, राग न विकर्द चाहे तो दया दान भक्ति राग में एकाकार हुआ है। राग को देखते हैं तो राग को देखते हैं पर्याय में अरागी अबंध स्वरूप जानने में आता है, उसको नहीं जानते। अरे बहुत भरू छ संत हुई तो करुणा करीने जगत ने आत्मा की जाहरात करे छे भाई। भगवान की जाहरात तेरी पर्याय में होती है, तेरी नजर राग ने पर्याय में रुकने से ये पर्याय में जानने वाली शक्ति ने जानते होने पर भी नहीं जानते। एक भी ज्ञान नहीं क्रिया नहीं बात से पता जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा देखो भगवान आत्मा अनंत अनंत आनंद ने ज्ञान नी लक्ष्मी का भंडार भगवान ये आभार गोपाल बालक से व्रज सबको ये 8 वर्ष नो बालक हो प्रभु उसके ज्ञान के पर्याय में ही भगवान आत्मा जानने में आता है। सबको
सदा स्वयं पर्याय में भगवान जानने में आता है, होने पर भी अनादि राग के वश होकर राग का ज्ञान में रुकने से अबद्ध स्वरूप का ज्ञान होने पर भी इसका ज्ञान नहीं कर पाता। हा 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 हा, वो उपदेश है। व्रत व्रत करो, तप करो, ना परिमा वही ले जाओ। हा भाई, तारो नाथ अंदर मोटो प्रभु छे ने भगवान आपवा कीधु ने भगवान। अज्ञानी नो आत्मा भगवान आत्मा ने कहो। भाई तो ने तारी खबर नहीं, जेनी खबरू थाय छे तेनी तने खबर नहीं। खबर है नहीं तेरे, अने रागनी खबरू में रोकने से भगवान रुकाई गया। जुगल जी सारी बात होते समझाई मुझे, आते ही भाषा आती नहीं, भाषा तो सादी है। શું સંતો એ કામ કર્યા છે, આત્માની પ્રસિદ્ધિ અટીકાનું નામ આત્મખ્યાતિ છે। એ આત્મખ્યાતિની પ્રસિદ્ધિ કરતા પર્યાયમાં આત્મ જણાતા હોને પર ભી, કેમ કે પર્યાય કા સ્વભાવ સ્વપર પ્રકાશક હોને સે, अरे तेरी नजर क्या न हो पर ये सफल प्रकाश सुन ले, स्वयं जानने में आता है, स्वयं भगवान जानने में आता है। हा हा हा, पर अनादि बंध के वश देखो, राग ना अंश ना बंध ने वशे पड़ो। भगवान आत्मा पर्याय में जानने में आता है, पण राग ना अंश ना वश में प्रयोग। आत्मा पर द्रव्यों के साथ एकत्व में भगवान आत्मा વ્યવહાર ના રશિયા ને તો એવું લાગ્યા, શું કે ભાઈ તારા ઘર ની વાત છે પ્રભુ, અને તારું ઘર તને જણાય છે, જાણવામાં આવતા થતા તારી નજર ત્યાં નથી। ભાઈ આવું છે, આવો કેવો ઉપદેશ, આવો કરું છું આવતું કે ભાઈ કરવાનું ઈ છે, પરના બંધ ઉપર નું રખ છોડી અબંધ સ્વરૂપે ભગવાન જણાય છે ત્યાં નજર ના, આ કરવાનું આ છે, બાકી બધી તો ત્યાં છે। હા પરદ્રવ્ય ના વશે એકત્વ કે નીચે છે, ક્યાં ક્યાં રાગ ને સ્વભાવ ની એકતા હૈ થા માનને છે। વિભાવ કા અધ્યાસ હો ગયા હૈ એ માટે, એકત્વ કે નીચે છે मूल अज्ञानी जन को। एक और भगवान आत्मन का
ભાઈ આ તો અમૃત માં રેલ છે. અમૃત નો સાગર ભગવાન તેરી પર્યાય મેં ભગવાન આત્મા સદા સ્વયં જણાય છે પ્રભુ. એ તેરી પર્યાય કા સ્વભાવ હે, પણ તે અનાદિ રાગ ચાય તો શુભ અને ઓ હા ગુણી કા ભેદ કા વિકલ્પ ઉસમે રુકને સે મૂળ જ્ઞાની કો જો અનુભૂતિ વય મેં હું એ જાનને વાળા જ્ઞાન મેં હું એસા આત્મજ્ઞાન ઉદિત નહીં હોતા એસે આત્મા કા જ્ઞાન આત્મજ્ઞાન પ્રગટ નહીં હોતા. અરે વાત વિતરાગ સ્વરૂપી ભગવાન પર્યાય મેં જાનને મેં આતે હોને પર ભી રાગ કે વશ હોને સે રાગ કા જ્ઞાન કરને સે સ્વકા જ્ઞાન રૂક ગયા. હા રાગ કી વિકલ્પ કા જ્ઞાન ત્યાં જ્ઞાન ક્યાં અરે શાસ્ત્ર ના જ્ઞાન છે ત્યાં રૂક ગયા. મેરી પર્યાય મેં બહુ શાસ્ત્ર કા જ્ઞાન હુઆ. ભાઈ એ શાસ્ત્ર જ્ઞાન એ કઈ તારી ચીજ નહી, પણ ઉસમે રૂકને સે એ બંધ ભાવ હે. જ્ઞાન કો ત્યાં રૂકને સે જ્ઞાન માં ભગવાન જાનને મેં આતા હૈ તો ઉસકો જાનતે નહીં મૂંઢે. અજ્ઞાની જન કો અનુભૂતિ ભાઈ મેં હું જાનને વાલી ચીજ મેં હું એસા આત્મજ્ઞાન ઉદિત નહીં હોતા ઉસકો એસા આત્મજ્ઞાન પ્રગટ નહીં હોતા રાગ કા જ્ઞાન પ્રગટ હોતા હૈ. આવી ગંભીર વાતો સાધારણ સમાજ ને એમ કે સમાજ તો સત્ય હોય સમાજ ની પાછળ મુખ નાય કે અસત મુખ ના. અને સમાજ આત્મા હે કે નહીં પ્રભુ? અરે ભગવાન આત્મા હે ભાઈ, એસા ભગવાન આત્મા પર્યાય મેં જાનને મેં આયા હોતે પર ભી પર્યાય મેં રાગ મેં રૂકને સે જાનને મેં આતા હે તો જાણા નહીં મૂંઢે. એસા આત્મજ્ઞાન ઉદિત નહીં હોતા રાગ કા જ્ઞાન હોવા ઉસકો તો. ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપી પ્રભુ એકલા જાનને વાળા એ અહંસ કા જ્ઞાન નહીં હોવા જિસમે એ ચીજ નહીં એસા રાગ કા જ્ઞાન હોવા આત્મજ્ઞાન ઉદય ન હોવા. ભગવાન ઓર ઉસકે ભાવ સે અજ્ઞાન કા સદ્ધાંત દેખે
इनके श्रद्धांत मन है अज्ञा तो ये चीज जानने में ना आई उसकी श्रद्धा क्या। हाँ 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 विशेष कह सकते।